करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। हमारे जो व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर्स है, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। दोस्तों 7 अप्रैल बुधवार के दिन है पाप मोचनी एकादशी। नाम से ही आप सबको पता चल गया होगा कि ये एकादशी पाप मोचनी एकादशी है, मतलब कि आपके जन्मों जन्म के पाप को ये दूर कर देती है। इस दिन यदि आप व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तो आपके जन्मों जन्म के पाप दूर हो जाते हैं। इस दिन दोस्तों सुबह आप जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर के पीले रंग के कपड़े पहने, भगवान श्री हरि की स्थापना करें पीले रंग के कपड़े के ऊपर, उन्हें 11 गेंदे के फूल अर्पित करें, 11 मिठाई उन्हें रखें और उनके सामने आप घी का दीपक लगाएं, अगरबत्ती लगाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जितना ज्यादा हो सके इतना ज्यादा आप जाप करें। जिस भी चीज का आप दान करें, यदि आप 11 की संख्या में करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फल देखने के लिए मिलेगा। गाय को दोस्तों इस दिन चारा अवश्य ही खिलाएं, चींटियों को आटा अवश्य ही दें, पीपल के पेड़ की अवश्य ही पूजा करें, तुलसी के गमले में घी का दिया अवश्य ही लगाएं, ठीक है। इन सब क्रियाओं को करने के साथ साथ ये उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ, इस उपाय को आप अवश्य ही कर लें। कितनी बार दोस्तों ये होता है, हम जो काम करना चाहते हैं वो काम हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि नॉट नेसेसरी कि आपने इसी जन्म कोई ऐसा कर्म किया है जिसका फल आप भोग रहे हैं। आप कितने ही जन्म लेकर के आए हैं, जन्मों जन्म के पाप हमें इस जन्म वो चीज नहीं दे पा रहे हैं जो चीज हम चाहते हैं। कितनी बार ऐसा होता है, हमारे पूर्वज जो कर्म करके चले गए हैं उन कर्मों का भुगतान भी हमें करना होता है। इसके लिए भी कई ऐसी शक्तियां हैं जो हमारा साथ नहीं देती हैं। कितनी बार इन चीजों के रहते हुए हमारे पास पैसे नहीं आते हैं, हमारे हम वंश परंपरागत, आप देखना कितने ही परिवार ऐसे हैं जो वंश परंपरागत गरीबी को भोग रहे हैं, मंद बुद्धिपना को भोग रहे हैं। जो परिवार एक बार नीचे गया वो नीचे चला जाता ही जाता है, क्योंकि वो इस टाइप के जो भी कर्म है उनका निराकरण नहीं करते हैं। वो पाप मोचनी एकादशी ऐसा दिन है जब आप उन तमाम भूलों का प्रायश्चित कर सकते हैं जो आपके द्वारा हुई है या आपके पूर्वजों के द्वारा हुई है। तो इसका निराकरण करने के लिए पापों से मुक्ति पाने का एक बहुत ही बढ़िया उपाय मैं आपको आज बता रही हूँ। इस उपाय को थोड़ा बहुत मैंने पहले भी एक अपनी वीडियो में बताया था कि इस तरीके के उपाय से आप तमाम पापों से मुक्ति पा सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये पाप मोचनी एकादशी है तो इस दिन आप इस उपाय को अवश्य ही करें। मैं आपको रिमाइंड करवा दूं फिर से कि एक चुटकी नमक कैसे आपकी जिंदगी को बदल सकता है। आपको दोस्तों, जैसे आप सब जानते हैं कि मनुष्य की जो शक्ति है, रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे वाली हड्डी में मनुष्य की जो शक्ति है, जो उसकी सुषुप्त शक्ति, वहीं पर बैठी हुई है। जब व्यक्ति ध्यान करता है और ध्यान की उसकी पराकाष्ठा, उसका ध्यान जब अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है तब ये शक्ति जागती है। कुंडलिनी शक्ति अपनी ताकत दिखाती है और वो धीरे 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 ऊपर की तरफ उठती है और ऊपर की तरफ से आते हुए यहाँ बैठती है और उसे पूरी पूरे ब्रह्मांड का, हर जन्म का, हर चीज का दिव्य ज्ञान हो जाता है। सारी शक्ति का संग्रह ही इस हड्डी में है जो बिल्कुल नीचे है। तो आपको क्या करना है, रीढ़ की हड्डी की बिल्कुल नीचे वाली हड्डी में थोड़ा सा नमक ले लेना है और उस नमक को घिसना है बहुत अच्छे से, हल्के हल्के हाथ से आपको उस हड्डी को घिसना है। ऐसा करने से आपके जो पूर्व जन्म के पाप है वो धुल जाएंगे, आपके पूर्वजों के द्वारा जो भी गलतियां की गई हैं वो गलतियां दूर हो जाएंगी, उन पापों से आपको मुक्ति मिल जाएगी और वो तमाम चीजें जो आप आज की लाइफ में अचीव करना चाहते हैं लेकिन आपको नहीं मिल पा रही हैं, वो तमाम चीजें आपको इस उपाय के द्वारा बहुत आसानी से मिल जाएंगी, बहुत ही आसानी से दोस्तों आपको ये चीजें मिल जाएंगी। इसके सिवाय भी दोस्तों इस दिन नीमक और नींबू से काफी ऐसे उपाय हैं जो आप कर सकते हैं जिसके द्वारा आप अटूट लक्ष्मी को प्राप्त कर सकते हैं,
क्योंकि लक्ष्मी भी आपके पास तभी आती है जब आप अपने पिछले जन्मों के या इस जन्म में भी जो आपने पहले जो कर्म किए हैं उन पापों का जब आप नाश कर देते हैं। लेकिन एक ही वीडियो में सब कुछ बताना संभव नहीं है, तो इसमें जो मैंने आपको जानकारी दी है आप कोशिश करें इस क्रिया को करने की। इस क्रिया को करने के बाद आप देखेंगे कि आप बिल्कुल खुला खुलासा महसूस करेंगे, आपको काफी अच्छा लगने लग जाएगा, आपकी सोई हुई सुषुप्त शक्ति जागने लग जाएगी और आपको एक अदृश्य आशीर्वाद इस प्रकृति से मिलना शुरू हो जाएंगे, जिससे आपके कार्य सिद्ध होने शुरू हो जाएंगे। बहुत ही जादुई ढंग है ये, जादुई क्रिया है ये कुदरत के आशीर्वादों को प्राप्त करने का, पापों से मुक्त होने का। और क्योंकि ये पाप मोचनी एकादशी है इस दिन इस चीज का इफेक्ट हजारों गुना ज्यादा होता है, तो इस दिन आप अवश्य ही करें इस क्रिया को। और इसको करने में कहीं कोई तकलीफ पड़ रही हो, कोई ऐसी बात है जो आपकी समझ में ना आ रही हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे अवश्य। कट खुश रहे। जय श्री कृष्ण।